Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel Saba's Passion. यहाँ पे मैं अभी चाय बना रही हूँ मेरे लिए और हस्बैंड के लिए, और बच्चों के लिए मैं दूध बनाऊंगी अलग से। मैं अलमराई दूध यूज करती हूँ पीने के लिए और चाय के लिए। मैं कभी कभी अदरक वाली चाय भी पीती हूँ, कभी कभी नॉर्मल चाय पीती हूँ। आज मैं नॉर्मल चाय बनाऊंगी। मैं यहाँ पे चाय पत्ती डाल रही हूँ और बाद में इसको शुगर मिला रही हूँ और इसको अच्छी तरह से बॉईल करूँगी। मैं हर चीज़ मीठा पी लेती हूँ लेकिन मुझे चाय में शुगर ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 स्पून शुगर यूज कर रही हूँ। यहाँ पे बच्चों को फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी रहता है स्कूल पे, तो मैं ज़्यादातर मॉर्निंग में फ्राइडे और सैटरडे नाश्ता कम बनाती हूँ क्योंकि बाकी दिनों में बनाती हूँ, तो 2 दिन मैं रेस्ट करती हूँ। और आज मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल पे मीटिंग है, पेरेंट्स मीटिंग, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हो जाऊँगी क्योंकि 2 o'clock को हमें वहाँ पे रहना है। मेरे हस्बैंड को भी आज छुट्टी है सैटरडे, उनको भी फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी रहता है। ये रेड वाला ग्लास मेरा है और एक ग्लास उनका है। मुझे रेड वाला ग्लास बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं घर पे होती हूँ तो ज़्यादातर चाय उसी में पीती हूँ। मैं चाय के साथ खारी लूँगी हम दोनों, और बच्चों के लिए मैं चोकोस डाल के दूँगी, वो चोकोस बहुत पसंद से खाते हैं। आज मैंने नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया है क्योंकि आज मुझे थोड़ा ज़्यादा ही काम है। यहाँ पे मैं थोड़ा घर पे झाड़ू मारूंगी और पोछा लगाऊंगी, और जो मैंने कपड़े धोए थे उसको फोल्ड करके रखना है क्योंकि मेरे कपड़े कुछ ज़्यादा नहीं थे कल, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे कपड़े धोती हूँ तो ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो बच्चों के और मेरे हस्बैंड के थोड़े कपड़े थे तो मैंने उसको धो के सुखाया था नाइट में, तो अभी मैं उसको फोल्ड करके रखूँगी। मेरे हस्बैंड को भी आज छुट्टी है सैटरडे, उनको भी फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी रहता है। मैं हमेशा कपड़ों को अच्छी तरह से फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। फ्राइडे भी मैं इवनिंग के टाइम पे बाहर गई थी तो मैंने वहाँ पे कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी वहाँ पे, तो इसलिए फ्राइडे और थर्सडे का कोई वीडियो नहीं है मेरे पास। अब हम स्कूल के लिए निकल चुके हैं, यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं, तो हम अब स्कूल में हैं।
हम अब यहाँ पे कजिन के घर पे आए हैं। यहाँ हम लोगों के लिए नाइट में पार्टी था, मतलब दावत था, तो यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे मेरे मामा मामी सब लोग आए हैं, और मैं आज आपको एक फ्रूट सलाद रेसिपी दिखाऊंगी जो मेरे मामा बनाते हैं। वो बहुत अच्छा अच्छी तरह से बनाते हैं, जो मेरा और मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, क्योंकि हमेशा जब मामा बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे वो आज बना रहे हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप देखिए इस वीडियो को। यहाँ पे देखो सब रेडी करके रखा है, जैसे मैंगो है, पॉमग्रेनेट है, एप्पल है, पियर्स पियर्स है, बनाना है, और ग्रेप्स है। सब कुछ रेडी है यहाँ पे। और यहाँ पे रूह अफ़ज़ा है, हनी है, आइसक्रीम है और थिक क्रीम है। यहाँ पे पहले ग्रेप्स को कट कर रहे हैं, उसके बाद में मैंगो को कट करेंगे, और उसके बाद में जो पियर्स होता है, पॉमग्रेनेट, पियर्स, एप्पल, ये सब कट करेंगे, और लास्ट में इसको बनाना कट करके मिलाएंगे। अगर हमारे पास ज़्यादा फ्रूट्स नहीं हैं तो हम इसको ऐसे ही, अगर एक दो फ्रूट्स मिला के फ्रूट सलाद बनाएंगे तो हम ज़्यादा क्वांटिटी बना के ज़्यादा लोग भी खा सकते हैं। यहाँ पे मेरे मामा जिस तरह से फ्रूट्स को कट कर रहे हैं, आप थोड़ा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से फ्रूट को कट करेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। मैं आपको देखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप फ्रूट्स को बड़े बड़े साइज़ में कट करेंगे तो इतना मज़ा नहीं आता है जितना यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ करके कट करने से आता है। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन टेस्ट भी उतना ही अच्छा रहता है। सिर्फ फ्रूट का कट करके खाना इतना मज़ा नहीं आता है, तो इसको फ्रूट सलाद बना के खाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप इस फ्रूट सलाद को फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो एक दिन में इसका टेस्ट चेंज नहीं होगा। अगर आप इसको 2-3 दिन ज़्यादा रखेंगे तो इसके टेस्ट में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, जो जैसे हम फ्रेश बनाते हैं उस तरह से नहीं रहेगा इसका टेस्ट।
सब फ्रूट्स कट करने के बाद लास्ट में बनाना को कट करके मिलाना है। मैंने पहले ही बताया है, फिर भी यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ। यहाँ पे इसको आइसक्रीम, थिक क्रीम, रुबसा मिला रहे हैं और लास्ट में इसको हनी मिला के मिक्स करेंगे। इसको रेडी करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे तो फिर भी इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे फ्रूट सलाद रेडी है जो बहुत टेस्टी बनता है, कभी आप भी ट्राई करके देखना। ये मेरे मामा का रेसिपी है जो मेरा सबसे फेवरेट है, इसलिए मैंने आपके साथ इसको शेयर किया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगली बार जो मुझे पता है वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।